फील लाइक वी आर कॉलेज अगेन. हमारे पुराने कॉलेज डेज याद आ गए, फैशन शोज में जब पार्टिसिपेट करते थे. तो रियली गुड फाइंडिंग द जोश ऑफ द न्यू जनरेशन स्टूडेंट्स एंड एवरीबडी टू मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर जोश इन फ्यूचर. द ओनली रीजन आई एम हियर इज द वाइब. मतलब इतनी एनर्जी है, इतना, क्योंकि आजकल जो जनरेशन है दे हैव सो मेनी न्यू टैलेंट एंड दे कम विद दिस पावरफुल एनर्जी. दैट्स द ओनली रीजन आई एम हियर. वी लर्न फ्रॉम देम नाउ. आई एम गेट आई एम हियर टू लर्न फ्रॉम देम. एनर्जी एंड वी नीड एनर्जी नाउ. टॉक टू अस. काफ़ी है बिकॉज नाउ इज मीडिया इज सो लाइक यू नो सोशल मीडिया एवरीथिंग इज कम और एक्सपोजर ज़्यादा है एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो वेरी पावरफुल वेरी इंटैक्ट विद द फैशन एंड एवरीथिंग. हमारे टाइम पे ये सब नहीं था, मीडिया नहीं थी, इतना सोशल मीडिया नहीं था, सो इतना रिसर्च नहीं होता था अबाउट फैशन एंड क्लोथ्स एंड ऑल. बट अभी स्टूडेंट्स एक्चुअली ऐसे लगते हम सीखेंगे उनसे कुछ नया. It's always new generation. Updated hai wo. Very you know, updated. Even if you're sitting in Bombay, there is something which is happening in Paris and they know and they try to follow the trend. Aur main to yaar bahut shy thi apne college days mein. So you know, nowadays I see these kids are not shy at all, which is very good. I wish I was not, I was like them. They're quite bold and beautiful now. Yeah, when I was like 20. नहीं नहीं मैं बहुत शाय थी, मुझे बहुत शर्म आती थी. मतलब नहीं सच्ची मैं बहुत शाय थी. बहुत टाइम लगा मुझे यू नो मॉडलिंग करने के लिए. मैंने पैजेंट्स किए, फिर करते करते मैं मॉडलिंग आई. बट आई वॉज नॉट एज कॉन्फिडेंट दिस किड्स आर राइट नाउ. वी गेट टू सी न्यू टैलेंट्स फ्रॉम हियर ऑल्सो लाइक फ्यूचर मॉडल्स. लॉट्स ऑफ पोटेंशियल्स आर देयर. वी कैन सी इन द न्यू स्टूडेंट्स जो फैशन में भी पार्टिसिपेट किए, इसमें काफ़ी आई हैव सीन फ्यू ऑफ द मॉडल्स हु आर लाइक वेरी फ्यूचर सुपर मॉडल कैन बी प्रॉपर ग्रूम्ड एंड मेंटोर के साथ में. जैसे ही होएगा सबसे पहले मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगी. एनर्जी Hi. Hi, energy. How's Josh? Hi, sir. Because everything out here. सब जोशी ले सब यहाँ पे एकदम. आजकल की generation तो ज़्यादा ही जोशी ही सिद्धार्थ हो रही है. Hi, energy. I don't think nowadays kids need any teaching. They are प्री लर्न. हमें उनसे सीखना पड़ेगा कि कितना अपडेटेड रहे, टेक्नोलॉजी कैसे सीखे. और कंपैरेटिवली फ्रॉम द ओल्ड स्कूल सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम एक्चुअली. थैंक यू सो मच. द वाइब इज रियली पावरफुल. आई थिंक हम जोश में हैं तो सारे जोशीले होके आएंगे. दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ यूथ सो वी आर हियर एंड वी आर हियर टू वॉच द यूथ टैलेंट. जैसे कि ये इवेंट का नाम है जोश, तो यहाँ पर का जो वाइब है वो जोश में फील हो रहा है और बच्चों को देखकर और ऐसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं और वो जोशीले दिन थे जो वो याद आ रहे हैं. आपकी बचपन की कुछ याद? बचपन की यादें अभी जस्ट अंदर आए थे तो मुझे याद आया कि मेरे कुछ टीचर्स थे जिन्होंने मेरे को शो पे डाल दिया था और मैं बचपन से थोड़ा शाय टाइप का हूँ और कैसे मैंने वो बस वॉक किया था वो मैं जानता हूँ और मेरा जोश जानता है क्योंकि शायद से थोड़ा जोश था इसलिए वो हो गया. देखिए सारे बचपन में हम शाय होते, हम सब एक शाय किड थे. धीरे धीरे परफॉर्म किए, मैं मिमिक्री किया करता था सारे शोज में अलग अलग जगह. जब बॉम्बे आया, जब मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई तब भी मैंने मिमिक्री की. और ही इज़ नूर खान, ये एक फैशन फोटोग्राफर है, उन्होंने मेरे फोटोज़ खींच के मुझ में जोश भरा है. दैट्स व्हाई आई एम हियर और मेरी फिल्म आ रही है. सर रोल मॉडल सारे ही हैं, जो जो नए थे. आई थिंक रोल मॉडल मेरे लिए जॉन इब्राहिम थे. जॉन इब्राहिम को देख के बहुत ही उत्साहित हुए और इस फील्ड में आना चाह. सबने बॉडी बनाई, बाल लंबे, बाइकर्स, एक्टिंग. सो आई थिंक जॉन इब्राहिम मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल. थैंक यू. आई हैड एन अमेजिंग डे. वॉट एनर्जी हियर. You know, all the students, like 16, 17 year old, and what performances I've seen, the dancers, you know, the group dancing and the solos and everything, what energy, what power-packed performance. So I was like completely thrilled.
So Josh, I would say, is really high today since morning and completely enjoying the entire vibe. And you know, actually I went back to my college days when we used to perform like this. So it was such a thrilling experience. Everybody should take part in extracurricular activities and other things also, whatever they like, because it really boosts your confidence and it really helps you in your walk of life when you go ahead, because you have learned so much and you've faced people that you know you can face any challenge that comes into your life. The experience is like amazing. Like nowadays, like I would like to say that NGM, like how they're so lucky that they have such academy which can train them and educate them. At our time we didn't have such academy, so all we had to do is by ourselves or see people doing it. So I think now the generation is very lucky because they are very much aware and they have academy which can teach them how to walk, how to talk and get their confidence. So I think they are really blessed. We had to struggle a lot to, you know, learn everything. Sorry? बहुत डिफरेंस है. एज आई सेड कि यू नो उस टाइम पे हमारे पास मेंटर्स उतने नहीं थे या अकेडमीज नहीं थी, तो नाउ दे हैव इट. सो आई थिंक इट्स वेरी इजी नाउ. आई वॉन्ट सी इन द फील्ड ऑफ लाइक बिकॉज यू रियली हैव टू वर्क हार्ड, बट यू एटलीस्ट हैव समबडी टू गाइड. I definitely want to wish them all the very best. Each and every one was fabulous. Unfortunately, we had to choose one, but all of them had a great energy and the way they performed was really outstanding. And I wish Josh all the very best. Thank you. हम मदहोश हो जाएंगे. So, anyways, we are here to experience हमारी जो हम इन्हीं गलियों से गुजर के यहाँ पे आए हैं. So it's just time to relive these moments and encourage these students who have such potential and you know, just throw in some more experience from all the expertise that we have. Thank you very much for inviting us out here. It's been very nostalgic. अपने पुराने दिन याद आ गए. So we all are here to support all the students. They must have put in lot of effort, lot of hard work. So we are looking forward to the show. And Josh, what, how's the Josh? जोश तो भाई इतना सारा है आसपास में. और पता है, टैलेंट को हमेशा इनक्रेज करना चाहिए, बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड दैट वी लिव, हम इतना छोटा टैलेंट पकड़ के इतना आगे जा सकते हैं. और क्या होता है कि लोगों को ये सपोर्ट नहीं मिलता, तो वी आर योर, बिकॉज हमारे टाइम पे शायद इतनी सोशल मीडिया नहीं थी जो आज इतना है. हम अपने रास्ते कैसे भी करके पेव करके चल के आए, बट यहाँ पे आई थिंक सोशल मीडिया इज सो गुड. यू गाइज आर देयर, देयर इज सो मच ऑफ मीडिया अटेंशन एंड मीडिया विजिबिलिटी. सो आई थिंक द स्टूडेंट्स आर लकी एंड वी आर लकी टू बी हियर टू बी पार्ट ऑफ दिस एंटायर इवेंट. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम. एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क अस? You know, honestly, Josh means energy. It means youth, and any kind of opinion. अपना जोश में करो, हर अच्छी चीज़ जोश में करते हैं. तो आई थिंक फॉर मी दैट इज वॉट इज दिस, एंड दैट्स वाई आई एम इन फुल रंगीला आउटफिट, सो दैट इट्स ऑल्सो द थीम ऑफ द डे. सो या, जोश में आया हूँ. भारत की संग युवा की रंग, भारत की रंग युवा के संग, दैट कम्स टू मी एंड जोश स्टैंड्स फॉर दैट. Wow, my college days, to be honest, obviously we've all been students, but हमारे college के दिनों में हम यही करते थे, हम यही extra curricular activities में हिस्सा लेते थे, fashion shows, dance competitions, and this is where हमारा मंच वही होता था और वही मंच से हम यहाँ पे आए हैं. So it is just going back, being nostalgic and you know, kind of supporting the today's generation basically. Thank you. से हम मदहोश हो जाएंगे. सो एनी वेज वी आर हियर टू एक्सपीरियंस हमारी जो हम इन्हीं गलियों से गुजर के यहाँ पे आए हैं. तो इट्स जस्ट टाइम टू रीलिव दीज मोमेंट्स एंड एनकरेज दीज स्टूडेंट्स हू हैव सच पोटेंशियल एंड यू नो जस्ट थ्रो इन सम मोर एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल द एक्सपर्टीज दैट वी हैव. Thank you very much for inviting us out here. It's been very nostalgic. अपने पुराने दिन याद आ गए. So we all are here to support all the students. They must have put in lot of effort, lot of hard work.
So we are looking forward to the show. And Josh, what? How's the Josh? जोश तो भाई इतना सारा है आसपास में. और पता है टैलेंट को हमेशा इनक्रेज करना चाहिए, बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड दैट वी लिव, हम इतना छोटा टैलेंट पकड़ के इतना आगे जा सकते हैं. और क्या होता है कि लोगों को ये सपोर्ट नहीं मिलता, तो वी आर योर, बिकॉज हमारे टाइम पे शायद इतनी सोशल मीडिया नहीं थी जो आज इतना है. हम अपने रास्ते कैसे भी करके पेव करके चल के आए, बट यहाँ पे आई थिंक सोशल मीडिया इज सो गुड, यू गाइज आर देयर, देयर सो मच ऑफ मीडिया अटेंशन एंड मीडिया विजिबिलिटी. सो आई थिंक द स्टूडेंट्स आर लकी एंड वी आर लकी टू बी हियर टू बी पार्ट ऑफ दिस एंटायर इवेंट. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम. एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क अस? You know, honestly, Josh means energy. It means youth, and any kind of opinion. Apna Josh me karo. Har achhi cheez Josh me karte. So I think for me that is what is this, and that's why I'm in full rangila outfit. So that it's also the theme of the day. So yeah, Josh me aaya. Bharat ki sang, yuva ki rang. Bharat ki rang, yuva ki sang. That comes to me, and Josh stands for that. Wow, my college days, to be honest, obviously we've all been students, but हमारे कॉलेज के दिनों में हम यही करते थे, हम यही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे, फैशन शोज, डांस कॉम्पिटिशन्स, एंड दिस इज़ वे हमारा मंच वही होता था, और वही मंच से हम यहाँ पे आए हैं. सो इट इज़ जस्ट गोइंग बैक, बीइंग नॉस्टैल्जिक, एंड यू नो kind of supporting the today's generation basically. Thank you. Three roses hai, aapko sirf ek hi dikh raha hai, but it is significance of a certain religious thing. So yeah, rose humko josh chahiye. Yes, thank you. To be honest, I'm very happy to be here. I am closely associated with NAEMD because I'm a faculty over there. For me to see my students put up such a beautiful show is a pat on my back, because I am so excited that they are just growing and learning so much from the institute, and also showing their skills on a much larger scale. And talking about this event, Josh, it was like an actual reality show. To be honest, it did not look like a student show. It was like a proper reality show, because every participant has performed to the best and they are ready to go on stage. And I'm wishing everyone all the best, and I can't wait to see them win much bigger titles and gloriously become big in their industry. Yeah, thank you first of all for having me here, and I must say I am very, very, very happy to see that we are actually providing a platform for talent like that, that we need to support. And it gave me goosebumps when I sat and I watched the first few shows or what the students have put up, and it is just amazing to see. Like Pooja already mentioned, it's, you know, you spend so much time with them and you teach them, you want the best for them, and you see them succeed, that means you succeeded, and that's really amazing. Thank you. युवा तो ऑलरेडी इतनी टैलेंटेड है आजकल, मतलब मैं सच में आई वॉज इन शॉक जब मैंने सब परफॉर्मर्स को देखा, इतने ब्यूटिफुली एफर्टलेसली परफॉर्म कर रहे थे. और आई फील उन लोग से हमको सीखना चाहिए कि वो लोग हमसे ज़्यादा बहुत स्मार्ट हो गए हैं, टेक सैवी हो गए हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे चीज़ें मैं उनसे सीखती हूँ. लाइक आई सेड, आई एम अ टीचर, सो फॉर मी आई लर्न सो मच फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, and I'll always be happy to see them grow and prosper. Yeah. Thank you. Josh ka jo students ke candidates ki jo energy thi, mind blowing. Agar hamare time pe aisa platform mil jata to I believe ki hum bhi kuch bahut jaldi aage badh pate, itna struggle nahi karna padta. अगर रोल मॉडल की बात करी जाए तो फिलहाल मेरा तो कोई रोल मॉडल नहीं था, बट एक ड्रीम था कि एक मॉडल बनने का. लेकिन वो धीरे धीरे अपने ड्रीम को मैंने वो पूरा कर लिया, स्ट्रगल बहुत किए लेकिन कर लिया. और आज की डेट में नाउ आई एम अ मॉडल मेंटोर, ऑल्सो आई रिटन अ बुक ऑन मॉडलिंग, दैट इज़ गाइड टू स्टार्ट अ मॉडलिंग करियर, विच वॉज द बेस्ट
Amazon top 10 bestseller. अभी मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ कि हमारे जब स्टार्टिंग करियर था मॉडलिंग का तो कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं होता था, कोई मेंटोर नहीं होता था, और बोला जाता है कि इस इंडस्ट्री में फैशन इंडस्ट्री को इतने अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। तो मेरा विजन और मिशन एक ही है कि इस इंडस्ट्री को क्लीन दिखाना, और यहाँ पे भी ऐसे मॉडल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को लगता है, फैमिलीज को लगता है कि ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, बट ट्रस्ट मी ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और मैं उसी को प्रूव करने वाला हूँ। मोस्ट वेलकम। सो जोश एक इंटरकॉलेजिएट फेस्टिवल है जो सारे इंडिया के बच्चे आके पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल हम यहाँ नए टैलेंट को चांस देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, और इस साल जोश स्पेशल है क्योंकि इस साल हमारे जोश के साथ NIMG के स्टूडेंट्स ने भी एक अपना ग्रेजुएशन शो प्रेजेंट किया है। फैशन शो के लिए बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, कैलकटा, हाईलैंड। सो ग्रेट टर्न आउट एंड इट इज़ हार्ट वेलमिंग एंड वेरी हैप्पी टू सी ऑल द स्टूडेंट्स पुटिंग अप अ ग्रेट शो। See, basically in India we have never given an educational angle to this career of choices, whether be it dancing, singing or modeling. But at NIMG and at our Nest Academy we always give importance to career which are important to people. बहुत से हम लोग जहाँ जितने भी लोग मौजूद, चाहे वो कैमरे के पीछे हो आगे हो, उन्होंने करियर अपने बियॉन्ड एजुकेशन से बनाया है और बियॉन्ड एजुकेशन के बनाए जो इस नॉलेज को, मतलब जो इस चीज़ का एजुकेशन उनको नहीं मिलता है। तो एट हमारे जो एकेडमी है उसमें हम लोग सारे ऐसे करियर को एनहांस करते हैं जो बच्चों को करियर देता है और जो कि चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और इन एजुकेशन फॉर्मेट। सो वी आर ग्लैड कि हमारा इंस्टीट्यूट एक एजुकेशन फॉर्मेट पर इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसने मॉडलिंग को ये प्लेटफॉर्म दिया है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे हमने कोई भी चीज़ लाइफ में बगैर पढ़ाई की नहीं की है, तो ये एक ऐसा करियर क्यों है कि जिसमें आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हैं तो स्ट्रगल से पहले इसका एजुकेशन लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, और आगे दुनिया बहुत अच्छी है क्योंकि आप उसके बारे में एजुकेटेड और आप वेल वर्स्ड हो। सो यू शुड नॉट निगलेक्ट द एजुकेशन इन दिस फील्ड। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बहुत ही अमेजिंग दिन रहा क्योंकि बहुत सारा नया टैलेंट, द बेस्ट पार्ट इधर का था जो वो जब मैं सब कंटेस्टेंट से मिल रहा था उनका एज ग्रुप 16, 17, 18, सो मैनी यंग किड्स हु आर ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ मेकिंग अ चॉइस इन देयर लाइफ, और ये यंग टैलेंट जो है अगर उनको राइट प्लेटफॉर्म और राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जिस तरह इंडस्ट्री स्टेलवर्ड ने सपोर्ट किया उनको आकर, बड़े बड़े डिज़ाइनर, एक्टर्स, मॉडल्स, जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल है, सारे लोगों ने आकर उनको सपोर्ट किया है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम स्टार्स इन द मेकिंग देख रहे हैं। आई थिंक जोश का जो सेटअप है वो एक बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, राइट फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू इवेंट मैनेजमेंट। तो आई थिंक ये इन बच्चों को जो इस लाइन में एंटर करना चाहते हैं, उनको जब ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो एटलीस्ट सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, और उनको पता होता है कि हाँ प्रोफेशनली चीज़ ऐसी होती है, क्योंकि ना हर इंटर कॉलेजेट इस लेवल पर नहीं होता और इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पायरिंग है, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू। Went to becoming a judge was a beautiful journey, and I really enjoy Josh every year when I come here, be it as a participant or as a judge. I really enjoy this function because you know hardly लोगों को time मिलता है पढ़ाई से दूर हटके कुछ creative field में हाथ डालने के लिए, and विपुल सर जो कर रहे हैं शाकिर सर के साथ, सबके ही साथ, ही इज़ गेटिंग क्रिएटिव सारी चीज़ें एज एन एजुकेशन लेके आके लोगों को इतना इंस्पायर कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ने का जोश दे रहे हैं, सो विच इज़ अ वेरी कमेंडेबल थिंग टू डू।
and it's always a positive environment to I mean like you know Josh always has a positive environment and I love being here. Highlight I would talk about we always keep on watching reality shows and we always imagine if it's scripted or it's like you know naturally the actual talent. And when you come to Josh, every single year there are people who come out with different talents and you look at that live and I mean like you know you get bamboozled. So every year I come here I see a lot of not just one or two but a lot of amazing performances and that makes my day. Thank you.